हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूं, तो आज हम बात करेंगे आल्गे एटर फिश के बारे में कि आल्गे एटर फिश जो प्लेको फिश है उसके बदले में आप कौन सी रख सकते हैं। देखिए, आमतौर पर अगर हम आल्गे एटर फिश की बात करें तो सबके माइंड में यही बात आती है कि प्लेको फिश। अगर आप एक्वेरियम स्टोर में जाते हैं, आप नए हॉबीस्ट हो या पुराने हॉबीस्ट हो, अगर आप एक्वेरियम स्टोर में जाते हैं तो आपको अगर जाकर वहाँ पर बोलो कि आल्गे एटर फिश दो, तो मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो आपको, सब ज़्यादातर पर लोग आपको आल्गे फिश ही, जो प्लेको फिश होते हैं वही पकड़ा देते हैं। लेकिन प्लेको फिश में प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बनाई थी कि कर्नाटक में ये बैन है, बहुत सारे स्टेट में बैन है करके। तो और थोड़ा आप उसके बाद डिटेल्स में बात कर देता हूँ कि प्लेको फिश क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए, प्लेको फिश आप लाकर रखते हैं, प्लेको फिश जो है एलिगेटर का काम करती है, लेकिन ये 3 से 4 फीट तक बड़ी हो जाती है, जो बहुत ही बड़ी है आपके एक्वेरियम के लिए। क्योंकि अगर आपके पास बड़ी टैंक है जैसा कि 6 फीट 7 फीट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो है इतनी बड़ी टैंक नहीं होती, छोटी टैंक होती है, तो एलिगेटर फिश के बदले में प्लेको फिश लाकर रख देते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी होने के बाद आपकी फिशेस को प्रॉब्लम करती है और उसके बाद आपको रखना हेडेक हो जाता है। क्योंकि जब ये छोटी होती है तो तब अच्छी लगती है, लेकिन जब बड़ी होती है तो ये ज़्यादा पूप करने लगती है, दूसरे फिशेस से भी ज़्यादा ये पूप करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपको हेडेक लगना शुरू हो जाता है, आपको एक अलग सा चीज़ लगने लगती है, जिसकी वजह से आपको बदलना ज़रूरी होता है। इसलिए प्लेको जो है आजकल मार्केट में सब जगह वही सेल करते हैं और बहुत सारे स्टेट में ये बैन भी कर रहे हैं, और बैन ना करें तब भी आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। इसका रीज़न यही है कि अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो ये बड़ी हो जाए कि 3 से 4 फीट तक आप उसको रख नहीं पाएंगे परमानेंटली अपने पास। तो इससे बेटर है कि आप इसके बदले में दूसरी फ़िशेस, जो अल्टरनेटिव फ़िशेस है, प्लेको का काम ही करती है, उसको आप ख़रीद लें। तो आज का टॉपिक यही है कि हम आज बात करने वाले हैं प्लेको फिश के बदले में कौन सी फ़िश रख सकते हैं जो आल्गे क्लीन करती है। तो सबसे पहला लिस्ट में है सियामेसिया आल्गे ईटर। सियामेसिया आल्गे ईटर जो है 6 इंच तक बड़ी हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास 2.5 फीट या 2 फीट से बड़ी टैंक है तभी रखें, छोटी टैंक है जैसा कि 1 फीट है, 1.5 फीट है, उसे मत रखें। सियामेसिया आल्गे ईटर बहुत ही बेस्ट है कंपेयर टू अदर फिशेज, क्योंकि एनी टाइम जो है आल्गे क्लीन करती रहती है, जो डस्ट आल्गे है, ब्राउन आल्गे है या ग्रीन आल्गे, और जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं उसको भी ख़त्म करती है, जो ड्रिफ्ट रूट के ऊपर, रॉक्स के ऊपर या ग्लास के ऊपर है उसको भी खाते रहती है। ये हमेशा लगी रहती है आल्गे ख़त्म करने में, और आल्गे ही खाकर ये जीती है। और ये फ़िशेस को आप ग्रुप में भी रख सकते हो और चाहे तो अकेले भी रख सकते हो। और ये फ़िशेस जो है 6 इंच तक, जैसा मैंने कहा कि बड़ी हो जाती है, इसलिए एक डिसेंट साइज़ की आपको टैंक होना ज़रूरी है। और ये फ़िशेज़ बहुत ही बेस्ट हैं, सियामेसिया आल्गे ईटर है और आपको बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास प्लैनेट टैंक है तो बहुत बेस्ट है, नॉर्मल टैंक में भी रख सकते हो, लेकिन प्लैनेट टैंक हो तो ये बहुत बेस्ट रहती है और लॉन्ग लाइफ जीती है कंपेयर टू नॉर्मल टैंक। और दूसरे लिस्ट में है सकिंग लोचा, जिसे गोल्डन आल्गे ईटर फिश भी कहते हैं, जिसे मैंने लाकर अपने गप्पी फिश टैंक में डाला था। ये भी बहुत बेस्ट होती है, ये भी आल्गे खाने का काम करती है और ये 8 इंच तक बड़ी हो जाती है अपने लाइफ टाइम में। इसमें 3-4 कलर अलग अलग आती है, मिक्स कलर में आता है, ज़्यादातौर पर ये गोल्ड कलर में भी अवेलेबल होती है और बहुत कम प्राइस में आपको 50 रुपीज़ ईच तक भी आपको एक्वेरियम स्टोर मिल जाती है, 100 रुपीज़ तक भी मिल जाती है, डिपेंड अपन साइज़ ऑफ फ़िशेस। ये भी बहुत अच्छी है, प्लांट्स के ऊपर जो भी आल्गे होती है उसको खाकर ख़त्म कर दी है, और जो टैंक के ऊपर हो या ग्रीफ फ्रूट के ऊपर हो, सब जगह खाकर ख़त्म करती है। लेकिन ये जब छोटी होती है तो तब कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से आराम से रह जाती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो स्लो मूविंग फिशेस के ऊपर ये चिपक जाती है, ताकि उसके अंदर से जो स्लाइम कोट होता है, जो एक अलग टाइप का एक रस होता है फिशेस के अंदर से, उसको चूसती रहती है, उसको सक करती रहती है। जैसा कि स्लो मूविंग फिशेस है, फैंसी गोल्ड फिश या ब्लैक मोर फिश, इस तरह की जो स्लो मूविंग फिश है उसको अटैच कर लेती है। इसलिए अगर आप इसको रखते हैं तो फास्ट स्विमर फिश के साथ रखो, छोटे जो स्लो मूविंग फिशेस होती है उसके साथ मत रखो। और इसको आप फीडिंग में हफ्ते में 1 या 2 बार जो है आल्गे ईटर्स जो फूड आता है वो दे सकते हो, या आल्गे वेफर्स दे सकते हो, आल्गे डिस्क या आल्गे टैबलेट भी दे सकते हो। हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है आल्गे खाकर जी लेती है, लेकिन फिर भी हफ्ते में 2 दिन जो है आपको अल्टरनेटिव फूड देना पड़ेगा, जैसा कि खीरा होता है, कुकुमर होता है, या आल्गे ईटिंग फिश का जो फूड होता है वो दे सकते हो, या ब्लड वार्म ब्रेन श्रिम्प भी आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हो। तो तीसरे नंबर पर है हिल स्टीम लोचस, जिसे बहुत छोटी होती है, चाइनीज आल्गे ईटर फिश भी कहते हैं, जो हार्ट शेप की होती है, बहुत ही रेयर अवेलेबल होती थी पहले, लेकिन आजकल हर एक्वेरियम स्टोर में आपको मिल जाएगी। ये प्लैनेट टैंक के लिए भी सूटेबल है और नॉर्मल टैंक के लिए भी सूटेबल है। आप चाहे तो इसको छोटी फिश टैंक में भी रख सकते हो, जैसा कि 1 फीट है, 1.5 फीट की टैंक है, उसमें भी आप आराम से रख सकते हो, क्योंकि 3 इंच से बड़ी नहीं होती है और बहुत ही बेस्ट है आल्गे ईटिंग में, क्योंकि ये हमेशा आल्गे को तलाश करती रहती है, फ़िल्टर के ऊपर, हीटर के ऊपर या ग्लास के ऊपर, कहीं भी आल्गे हो
उसको खाती रहती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होना ज़रूरी है। जो नॉर्मल प्लेको फिश होती है वो विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई भी जी जाती है, लेकिन ये फिशेज जो है इसको ऑक्सीजन सप्लाई होना ज़रूरी है और वाटर फ्लो भी थोड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से ये नेचुरल से अमेजॉन रिवर से आती है वहाँ पर से ये वाटर फ्लो ज़्यादा रहता है और ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा रहता है, जिसको आपको भी टैंक में वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेस्ट होती है, जैसा कि छोटी टैंक्स के लिए सूटेबल है और प्लानेट टैंक के लिए रख सकते हो, नॉर्मल टैंक में भी रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बड़े फिशेस के साथ मत रखें, जैसा कि बड़े फिशेस हैं, अमेरिकन सीटलेट्स हैं, या इस तरह के बड़े फिशेस के साथ मत रखें, क्योंकि बड़े फिशेस इसको अटैक कर सकती है। छोटे स्कूलिंग फिशेस जो होती है उसके साथ ये बहुत ही बेस्ट होती है और बहुत ही पीसफुल भी होती है। तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर हमारे पास ब्रिस्टल नोज कैटफिश, जो लुक लाइक सेम प्लेको फिश की तरह ही होती है, लेकिन उसको थोड़ा नोज जैसा कि मूंछों की तरह होती है, इसलिए इसको ब्रिस्टल नोज कैटफिश कहते हैं, जिसकी मूंछें होती हैं बड़े बड़े से, इसलिए उसे ब्रिस्टल नोज कहते हैं। तो इसको जो है ये 6 से 8 इंच तक बड़ी हो जाती है, ये भी बहुत पीसफुल है। लेकिन ये 6 इंच तक ही बड़ी हो जाती है एक्वेरियम में रखा जाए तो, उससे ज़्यादा नहीं बड़ी होती है। लेकिन ये हमेशा ये आलगे खाने में ही बिजी रहती है, ऑल टाइम, एनी टाइम, दिन में, रात में, हर टाइम पे ये आलगे खाती रहती है। टैंक के ग्लास के ऊपर जो एसेसरीज होती हैं सब के ऊपर ये टैंक का क्लीन करती है, और पुप भी बहुत लेस करती है। कंपेयर टू प्लेको फिश का अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही कम पुप करती है, जिसकी वजह से टैंक और भी क्लीन रहेगा। तो ये एक बहुत बेस्ट है आलगे ईटर फिश, अगर आप अल्टरनेटिव रखना चाहते हैं प्लेको के बदले में। तो नेक्स्ट पाँचवें लिस्ट में है, 3 फिशेज में काउंट करूँगा, क्योंकि अलग अलग सब काउंट करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे फिशेस हैं जिसे आप आलगे के हिसाब से काउंट भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कम आलगे खाती है कंपेयर टू प्लेको फिश या दूसरे फिशेस जो लिस्ट में हम बात किए। उसमें है मौली फिश, मौली फिश जो ब्लैक मौली आती है खासतौर पर, या कोई भी मौली ले सकते हो वो खाती है, या उसके बाद किसिंग गौरामी, ये भी ज़्यादातौर पर आलगे खाती है जो ग्लास के ऊपर है, जो डस्ट आलगे है उसको खाती रहती है। और तीसरा जो है बिप टेल कैटफिश, और वो भी देख सकते हैं आप, बहुत सी अलग टाइप की आती है। ये मैंने पहली बार देखा था जब मंगलोर में मैंने अक्वाटिक गोल्ड में मैंने विजिट किया था, वहाँ पर इसको देखा था। ये बहुत ही रेयर अवेलेबल होती है और प्लानेट टैंक के लिए ही होती है, दूसरे टैंक में आप फिशेस के लिए नहीं रह सकते, प्लानेट टैंक के लिए ही सर्वाइव कर जाती है। बिपटेल कैटफिश बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही एक्टिव रहती है लेकिन सेंसिटिव होती है, वो भी आप रख सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारे फिशेज हैं, जैसा कि अप एंड डाउन कैटफिश होती है या स्टोन कैटफिश होती है, इस तरह की बहुत सारे होती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर अवेलेबल होती है और बहुत कम लोग इसको रखते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात किए कि कौन सी फेमस और बेस्ट फिशेस हैं आलगे ईटर फिशेस जो प्लेको के बदले में रह सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बात चीज़ का ध्यान रखें, प्लेको फिश मत रखें, क्योंकि प्लेको फिश के बदले में इन कोई में से एक फिशेस को रख लें, क्योंकि प्लेको फिश क्या करते हैं बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहती, कॉमन प्लेको की बात करूँ लाकर रख देते हैं, 4 फीट तक ये बड़ी हो जाती है, बाद में जाकर ये ले जाकर रिलीज़ कर देते हैं पोंड में, डैम में, लेक में, कहीं ले जाकर तालाब में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का वो इकोसिस्टम को ख़राब कर देती है, वहाँ के अंडों को खाती है, उनके फिशेस को खा जाती है, बाद में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। इसलिए बेटर है इस फिशेस को ख़रीदो ही मत, अगर आप ख़रीदोगे नहीं तो एक्वेरियम स्टोर लाकर बेचेंगे नहीं, इसलिए बेटर है आप इसको स्टॉप करके इनमें से कोई फिशेस लाकर रख ले। वरना मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ या पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है प्लेको के साथ, जो है फैक्ट वही बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी फॉलो करना या नहीं करना है, मैंने तो फैक्ट बता दिए और जो भी सही चीज़ है आपके सामने रख दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, इस तरह के बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।